कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पे सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए तो आपको बहुत फायदा होगा और ये आपके लिए शुभ होगा। पर मित्रों, उन लोगों का क्या जिनका सामर्थ्य सोना या चांदी खरीदने का नहीं है? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अक्षय तृतीया पर आप ऐसा क्या खरीदें जिससे आप अक्षय तृतीया का पूरा फायदा, पूरा फल उठा सकते हैं। अक्षय तृतीया को क्यों मनाया जाता है, इसका फल क्या है और इसको मनाने का तरीका क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं संपूर्ण रूप से आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं धीर कुमार। व्रत विधि विधान के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में। मित्रों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है और इसको विशेष बनाने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण दोस्तों ये है कि इस दिन भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म दिवस है, तो इसीलिए इसको अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन हम जो कुछ भी खरीदते हैं, जो कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है, इसलिए इसको अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, देश के कई हिस्सों में इस दिन को भगवान परशुराम के जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास ने महाकाव्य सुनाया था श्री गणेश जी को और इसी दिन देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ मित्रों, इस दिन को हयग्रीव भगवान के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये हयग्रीव भगवान कौन है, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो में थोड़ा सा आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो संपूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ भगवान हयग्रीव को याद किया जाता है, परशुराम भगवान जी की पूजा की जाती है, उनकी जयंती मनाई जाती है। अब इस दिन क्या करें, क्या ना करें, क्या करना चाहिए और किस चीज़ को करने से आपको फल प्राप्त होगा, ये भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों इसकी कहानी के बारे में आप सुन लीजिए। तो मित्रों, भगवान हयग्रीव कौन है जिनके स्मरण करने की मैं बात कर रहा हूँ अक्षय तृतीया के दिन? तो मित्रों, भगवान हयग्रीव भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है जिसमें माता लक्ष्मी के श्राप के कारण भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो जाता है और उनके धड़ पर घोड़े का एक सर लगाया जाता है और उसके बाद जो स्वरूप होता है वो भगवान हयग्रीव का होता है। तो दोस्तों, भगवान हयग्रीव की इस दिन स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अब दोस्तों, पूजा आप जैसे भी नियमित रूप से करते हैं वैसे कर सकते हैं, जैसे कि माता लक्ष्मी को आप गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं और विष्णु भगवान को पूजन करने के लिए आप नाना प्रकार की चीज़ें जो मैं अपने वीडियो में बताता रहता हूं वैसे आप पूजा जो नियमित पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करते रहें। पर इस दिन आप ऐसे क्या क्या चीजें करें जिससे आपको फायदा होगा, जैसे कि आपकी अगर घर में वस्तुएं इधर उधर रखी हुई हैं, अनियमित तौर से रखी हुई हैं इधर उधर, तो आप उनको संभाल के रख दीजिए। घर में साफ सफाई रखें, भगवान की पूजा बिल्कुल समय से करें, घर में साफ सफाई के अलावा घर का जो वातावरण है वो भी आप अच्छा रखने का प्रयास करें। मित्रों, अगर आपका सामर्थ्य है तो इस दिन आप सोना सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन आप जो कुछ भी खरीदेंगे उसमें अक्षय वृद्धि होगी। अगर आप कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं घर का, इलेक्ट्रॉनिक का या फिर मोटरसाइकिल, स्कूटर, जो कार वगैरह खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो भी ये दिन बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत अच्छा माना गया है। मित्रों, इस दिन आप कोई भी नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, कोई भी नई चीज़ शुरू कर सकते हैं, कुछ भी नया अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन को आखा तीज के नाम से भी जाना चाहते हैं, ये अनुभुजा साया होता है, यानी कि अगर आप को इस दिन कुछ शुभ कार्य करना है तो आपको पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है, पंचांग दिखवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी की शादी भी करनी है घर में तो भी आपको पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जिन लोगों का सामर्थ्य नहीं है सोना चांदी खरीदने का, हीरे जवाहरात खरीदने का या फिर ज़मीन खरीदने का या फिर कोई वाहन खरीदने का, तो वो इस दिन को कैसे शुभ दिन बना सकते हैं? तो दोस्तों, आप इस दिन पीली सरसों खरीद के घर में ला सकते हैं, जौ खरीद सकते हैं, कौड़ियाँ खरीद सकते हैं, कौड़ियों की पूजा कीजिए। आप 11 कौड़ियाँ पूजा के बाद लाल कपड़े में बांधकर आप तिजोरी में भी रख सकते हैं और वहाँ पर आप उनको पूरे साल तक रखिए। इसके अलावा दोस्तों, आप शंख खरीद सकते हैं, शंख खरीदने के साथ साथ आप
अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का बर्तन अपने घर पे ला सकते हैं, जिसमें मिट्टी का घड़ा भी शामिल हो सकते हैं, वो अपने घर में ला सकते हैं। और इनको खरीदने के बाद भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको अक्षय तृतीया के दिन मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें तो दोस्तों होगी, इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। अब चलते चलते ये सुन लीजिए कि इस दिन आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। एक तो इस दिन सिर्फ आप सात्विक भोजन बनाएं, यानी कि प्याज लहसुन का भोजन ना बनाएं, मांस मदिरा का सेवन ना करें। साथ ही साथ अगर आप बाजार कुछ खरीदने जाएं तो खाली हाथ लौट कर ना आए, कुछ ना कुछ खरीद कर जरूर लेकर आए। इस दिन ना तो किसी को उधार दें और ना किसी से उधार लें, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जो धन का लेन देन करना है उधार के मामले में, वो अगले दिन कर सकते हैं या उससे पहले दिन कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, ये था एक डिटेल वीडियो अक्षय तृतीया को लेकर। इस दिन क्या करें, क्या क्या ना करें, भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें, माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, और इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो मित्रों, इससे पहले मैं आपसे अनुमति, आपसे अनुरोध ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में, एक नए व्रत के साथ, एक नई विधि के साथ, एक नए विधान के साथ। जय श्री कृष्णा।